नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, HSSC CET भर्ती से संबंधित आज फिर से नई अपडेट आई है। अगर CET मेंस ग्रुप का एग्ज़ाम है, जो 56 ग्रुप का एग्ज़ाम है, उसमें अगर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो क्या एग्ज़ाम रद्द होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। और इसके अलावा इससे संबंधित एक बहुत बड़ा तथ्य भी सामने आया है, और अब की बार हिंदी भी हुई शर्मसार। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं जो इस एग्ज़ाम में देखने को मिली है। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी ध्यान से सुनना, जो कौन सा तथ्य है ये। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, HSSC ने पहले भी इस टाइप की हर एक एग्ज़ाम में गड़बड़ी की है, ये पहली बार नहीं है। तो मैं ये चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा, जो किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह इस भरोसे ना बैठें कि ये सिलेबस से नहीं खेलेंगे, बिल्कुल सही सिलेबस पे चलेंगे। क्योंकि आपने देखा था, पहले कलर्क के एग्ज़ाम में भी इन्होंने मतलब बहुत गड़बड़ की थी, हाई लेवल के क्वेश्चन डाल दिए थे, जैसे मैथ और कंप्यूटर वगैरह। ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में हिंदी डाल दी थी इन्होंने, साहित्य वगैरह। इस तरीके से आपने देखा, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर डाल दिया था। इस टाइप से हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, 100% होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते करते हैं। तो इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया कि रिपीट कर दिया, यानी कि ये एग्जामिनर है इनके पास, जो ये एजेंसी है, वो हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ झोल करती है, जिससे सरकार की और HSSC की बहुत किरकिरी होती है, बहुत मजाक उड़ता है। लेकिन इनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार बोल देते हैं उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, लेकिन कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। और अगर ऐसा होता कि ब्लैक लिस्ट किया जाता, कोई दूसरी एजेंसी आती, तो आपने देखा है बहुत सारे आए होगा, हर एक स्टेट में, सेंटर में, किसी में कोई दिक्कत नहीं आती। यहीं पर ही ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, ये सोचने की बात है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, जो सो बहुत बड़ा तथ्य कौन सा है। इसमें आप देखोगे, देखो यहाँ पे पूरी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, जो तथ्य वो क्या है कि अगर देखो 56 और 57 में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और 41 क्वेश्चन रिपीट है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम से ही है, लेवल बिल्कुल सेम है, यानी कि 56 का और 57 का लेवल बिल्कुल सेम है। तो बहुत सारे युवाओं ने पहले क्वालिफाई की मांग की, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार नहीं किया, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए मना कर दिया। अब मान लो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ 4 या 5 गुना ही बुलाने वाले थे, तो कम से कम 56 और 57 दोनों ग्रुप का पेपर बिल्कुल सेम ही देना था, तो इनका एक ही ग्रुप बना लेते, यानी कि इनको अगर एक ग्रुप में पेपर लेते तो सिंगल सिंगल, यानी कि जो दो दो बार पेपर दिए हैं उनकी बजाय जो 27,162 कैंडिडेट इसमें बताया जा रहा है कि रिपीट हुए हैं, तो ये 27,000 कैंडिडेट और नए इसमें ऐड हो जाते, और 5-7-10 नंबर तो नहीं कहूँगा, सॉरी 5-7 नंबर, 4-5 नंबर और नीचे वाले कट ऑफ वालों को भी मौका मिल जाता। जो भी साथी एक नंबर आधे नंबर से रहकर आज रो रहा है कि मेरा रोल नंबर नहीं आया, तो उनको भी इसका मौका मिल जाता। लेकिन इन्होंने ग्रुप भी अलग अलग बनाए, अपनी मनमर्जी से बनाए, ऊपर से ये नाटक भी कर दिया। अगर ये सेम अगर दोनों एक साथ ग्रुप में भी पेपर लिया होता तो शायद ऐसी दिक्कत आज नहीं देखने को मिलती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा आपकी कोई राय आ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक चीज़ ये देखोगे, देखो क्या है, हिंदी के बारे में बताया गया यहाँ पे कि बहुत सारी गलतियाँ कर रखी है, लगभग 15 से 20 ऐसी गलतियाँ हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित कर रखी है। छोटे छोटे शब्द जैसे आप देखोगे यहाँ पे दे रखे हैं, ग्रामर में भी गलती है, हिंदी में भी गलती है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपकी इसके बारे में जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नब छोर को नब छोर लिख दिया है, और इस तरीके से हिसार में प्रकाशित होने संध्य दैनिक का नाम है नब छोर, इंग्लिश में स्पेलिंग ठीक छपी है लेकिन हिंदी में गलत कर दी, इस टाइप के बहुत सारी दिखते हैं। तो